अस्सलाम वालेकुम बेटे, एंड वेलकम बैक टू यूएसए कॉलेज ऑफ फार्मेसी। बेसिकली टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिगार्डिंग द टाइप 2 और यू कैन से द साइटोटॉक्सिसिटी डिपेंडेंट एंटीबॉडी रिएक्शंस। व्हिच आर अकरिंग इन योर बॉडी बेटे, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है, जिसको हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, या बेटे जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं, या बेटे ये हमारे लिए ना बेसिकली ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं बेटे? ये आपकी बॉडी के अंदर होने वाले एबनॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। और वो एबनॉर्मल रिएक्शंस होते कहाँ से है? आपका जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, ठीक है, यानी कि बेटे जो आपका नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, जो आपके बेटे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, बेसिकली वो ही आपकी बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, या वो हम कहते हैं कि हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो बेटे ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो कि हमारे एबनॉर्मल रिएक्शंस है, अनडिजायरेबल रिएक्शंस है, यानी कि बेटे जो आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं और यहाँ तक के लाइफ थ्रेटिंग यानी कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, लेकिन बेटे ये रिएक्शन सरासर आपका जो इम्यून सिस्टम है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे हाइपर सेंसिटिविटी के लाएंगे, लेकिन बेटी ये लाजमी नहीं कि जो रिएक्शन एक इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो रहा है वही दूसरे में हो, क्योंकि बेटे हर एक की बॉडी सेंसिटिविटी अलहदा होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें है क्या, उन्होंने बताया टाइप 2 है। टाइप 2 में बेटे हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, साइटो का जो वर्ड है ये बेटे निकला है साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म आपको पता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने हमें यही बात बताई है, साइटो से मुराद है सेल, ठीक है, टॉक्सिसिटी से मुराद है कि बेटे टॉक्सिक होना, हार्मफुल होना, नुकसानदेह होना, यानी कि आपके सेल को नुकसान पहुंचेगा, किस वजह से? एंटीबॉडीज की वजह से, ठीक है। यानी कि बेटे जब आपका अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ आपका जो इम्यून सिस्टम है, बेटे काइंडली रिकॉर्डिंग रोकिएगा एक मिनट। तो बेटे बेसिकली आपके अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ आपका, यानी कि इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि कोई बाहर से एंटीजन आ रहा है, या आप कह सकते हैं बाहर से एलर्जी कॉजिंग एजेंट आ रहा है जिसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि बेटे इसके अंदर आपके अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि वो साइटोटॉक्सिसिटी है, यानी कि आपके अपने ही बॉडी सेल्स इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि बेटे एंटीबॉडीज की वजह से। अब बेटे इसके अंदर जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है ना समझने के लिए, वो हमारे पास है रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या जिसको हम हीमोलिटिक डिजीज भी कहते हैं। अब बेटे बेसिकली इस डिजीज में होता क्या है कि जब कोई भी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड की हम बात कर रहे हैं, कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके अंदर फीटस ग्रोथ स्टार्ट होती है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ जब होना स्टार्ट होती है बेटे उसके अंदर, तो होता क्या आपको पता है, जैसे कि जो बच्चा है वो तमाम की तमाम नरिशमेंट अपनी मदर से लेता है, यानी कि तमाम गजा, तमाम जो उसकी खुराक है, या आप कह सकते हैं पॉसिबल तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी मदर से ऑब्टेन करता है। अब बेटे होता क्या है कि बच्चा माँ के साथ कनेक्टेड होता है, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जो बच्चे का ब्लड जब बन रहा होता है ना, तो बच्चे के ब्लड की थोड़ी सी लीकेज हो जाती है मदर के ब्लड के अंदर, ठीक है, यानी कि बेसिकली वहां पर जो प्लेसेंटा है ना, वहां से बेटे बच्चे का जो ब्लड है वो थोड़ा सा लीक होकर आ जाता है मदर के ब्लड के अंदर। अब बेटे लाजमी नहीं है जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है सेम वही मदर का हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने जो अपना ब्लड ग्रुप ऑब्टेन किया है, इनहेरिट किया है, वो अपने फादर से किया हो, ठीक है। अब जैसे अक्सर आप देखते हैं फादर ए पॉजिटिव है, मदर बी पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंगली फिर बेटे क्रॉस होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप बनता है। तो लाजमी नहीं है कि वो ब्लड ग्रुप बेटे सेम हो जो कि उसकी मदर का है। तो अब क्या होता है कि जब मदर का बच्चे का वो जो बेटे ब्लड लीक होकर मदर के ब्लड में ऐड होता है ना, तो बेटे जो बच्चे के ब्लड सेल्स है ना, उनको मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होकर कंसिडर करता है कि ये एंटीजन है, ठीक है, यानी लेकिन बेटे वो एंटीजन नहीं थे उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बच्चा उस मदर की बॉडी का पार्ट है,
लेकिन बेटे उस बच्चे के ब्लड ग्रुप यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं या आप कह सकते हैं जो ब्लड ग्रुप है वो बेटे चेंज होता है एज कम्पेयर टू मदर, जिसकी वजह से जो मदर है वो उसको फॉरेन कंसिडर करती है, यानी कि है तो वो उसके अपने ही बॉडी के सेल्स लेकिन बेटे वो उनको बाहर से आया हुआ कंसिडर करती है कि वो उसके बॉडी का पार्ट नहीं है, और मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर बेटे मदर का इम्यून सिस्टम बनाता है एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज बेटे बच्चे के अंदर दोबारा जाती हैं और जाकर उस बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर बाइंड कर जाती हैं वो एंटीबॉडीज जो मदर ने प्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से बेटे बच्चे के अंदर वो जो रेड ब्लड सेल जिसके ऊपर एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि उसकी तोड़ फोड़ हो जाएगी। तो ये बेटे एक सिंपल एग्जाम्पल, अब आप देख सकते हैं एंटीबॉडी साइट जो इसकी डेफिनेशन का नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। साइटो से मुराद आप देख रहे हैं सेल है, तो हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा सेल कौन से थे, रेड ब्लड सेल्स थे। टॉक्सिसिटी से क्या मुराद है कि बेटे हार्मफुल, उनको नुकसान होगा, नुकसान क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल्स की टूट फूट शुरू होगी, और एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी कि बेटे ये एंटीबॉडीज की वजह से हुआ। एंटीबॉडीज कहाँ से आई थी, जो मदर ने प्रोड्यूस की थी। तो आप देख सकते हैं तो बेटे जो इसका नाम उन्होंने बताया हुआ हाइपर सेंसिटिविटी का, वो इस एग्जाम्पल के ऊपर टोटली लाई कर रहा है कि एंटीबॉडीज की वजह से जब बेटे सेल्स की नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है सेल्स को, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है, यानी कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर आप बेटे देखें आपकी स्क्रीन पर उन्होंने बताया हुआ भी है सेल डैमेज कॉज बाय द एंटीबॉडीज, के बेटे ऐसा सेल डैमेज यानी कि सेल्स को नुकसान होता है किस वजह से, बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल सरफेस एंटीजन। अब बेटे सेल कौन सा है, रेड ब्लड सेल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब बेटे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं कहती हूँ मेरा ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसके साथ ऊपर प्रेजेंट है आरएच फैक्टर, तो मैं कह दूंगी ए पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो कह देंगे जी ए पॉजिटिव का नहीं होगा फिर वो, अगर बी के ऊपर प्रेजेंट है तो वो बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटे उन्होंने यही बात हमें बताई है कि अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, क्योंकि बेटे ये मोस्टली रेड ब्लड सेल्स के ना सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर होता है, तो अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव कह देते हैं, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव होगा। तो उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे वो जो ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर है ना, वो आरएच फैक्टर्स बेसिकली एंटीजेंस है। ठीक है, आप देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि सेल डैमेज कॉज बाय एंटीबॉडीज के बेटे सेल्स को नुकसान होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को नुकसान होगा, क्यों होगा, एंटीबॉडीज की वजह से होगा, और वो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती है, यानी कि बेटे जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसी को ही एंटीजन कंसिडर किया जाए, क्योंकि बेटे रेड ब्लड सेल्स तो सेम है ना मदर के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी, रेड ब्लड सेल्स की कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पर आता है बेटे, उस आरएच फैक्टर की वजह से। मदर के अंदर आरएच फैक्टर होता नहीं है, बच्चे के अंदर आरएच फैक्टर होता है, या आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर नहीं होगा तो मदर के अंदर होगा, तो अल्टीमेटली बेटे होगा क्या कि हमारी मदर का जो इम्यून सिस्टम होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा कि ये कोई बाहर से आया हुआ पार्टिकल है, कोई एंटीजन है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगा। इसमें आगे देखिए उन्होंने बताया इन दीज डिसऑर्डर द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ हिज और हर ओन सेल्स। कि बेटे इस डिजीज के अंदर बेसिकली होगा क्या, ये ऐसा हाइपर जो ये जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है ना बेटे, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारा स्पेसिफिकली पर्सन होगा उसकी बॉडी के अगेंस्ट ना, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर बेटे एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। यानी कि एंटीजन कौन सा है बेटे, जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, जबकि बेटे एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करेगा, मदर का इम्यून सिस्टम, वो कैसे है वो भी हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि बेटे ये जो हमारे पास आरएच फैक्टर होता है ना, ये बेसिकली आरएच फैक्टर करता क्या है कि बेटे ये आरएच फैक्टर जो होता है ये बच्चे के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, मदर में नहीं होगा, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को कंसिडर करता है ये एंटीजन है, और उनके खिलाफ रिएक्शन देना शुरू कर देता है। जैसे बेटे उन्होंने देखे एग्जाम्पल्स में भी बताया हुआ है, अगर ये डिसऑर्डर यानी कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसकी वजह से बेटे कौन सी 2 कॉमन डिजीजेज होती है, सबसे पहली है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। बेटे जो न्यू बॉर्न, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि फीटस है, जैसे ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी है, उन्होंने बताया कि उसके अंदर जो बच्चा है ना, बच्चे के बेटे अंदर हीमोलिटिक डिजीज हो जाती है, यानी कि बेटे जो उसके रेड ब्लड सेल्स है, हीमो मीन्स आरबीसी की बात कर रहे हैं, लिटिक मतलब कि बेटे ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है। आगे अगर आप देखें तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर एच डिजीज। आर एच डिजीज, आर एच क्या होता है बेटे, आर एच हम बोलते हैं रीजस फैक्टर को, आर एच एस ई यू एस, रीजस फैक्टर। ये बेटे एक मंकी था, रीजस मंकी, उसके अंदर सबसे पहले उसके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये देखा गया था, उधर से फिर इसका नाम रीजस फैक्टर रखा गया। अगर बेटे किसी भी बंदे के ब्लड में, यानी के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ये फैक्टर प्रेजेंट होगा तो हम उसको कह देते हैं कि वो पॉजिटिव है, यानी कि अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो हम कह देंगे ए पॉजिटिव है, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो हम कह देंगे बी पॉजिटिव है। लेकिन अगर बेटे ये आरएच फैक्टर नहीं होगा तो वो उसकी पॉजिटिविटी शो नहीं की जाती। तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि ये आरएच डिजीज है, यानी कि ये बेटे उस आरएच एंटीजन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से हम इसको आरएच डिजीज कहते हैं, क्योंकि बेटे जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर बेसिकली ये आरएच फैक्टर होने की वजह से होता क्या है कि मदर का इम्यून सिस्टम इनको कंसिडर कर लेता है। हालांकि ये तो नॉर्मल कंपोजिशन है कि आरएच फैक्टर प्रेजेंट होना, लेकिन बेटे मदर के रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं था ना, तो इसलिए वो कंसिडर करता है कि ये जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है ये एंटीजन है कोई, तो वो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उसके ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन, यानी कि बच्चे के रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन करवा देता है, और अल्टीमेटली बेटे वहां पर डिजीज होती है जिसको हम हीमोलिटिक डिजीज भी कहते हैं, या बेटे जिसको हम आरएच डिजीज भी कहते हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास मिस्टीनिया ग्रेविस। मिस्टीनिया ग्रेविस में क्या है कि बेटे ये हमारे पास हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ना, जितने भी हमारी बॉडी में, मेनली हमारे बेटे अपर बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारे जिस्म के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, जैसे बाजू है, हाथ है, और एब्डोमिनल मसल्स है, चेस्ट मसल्स है, बेटे इन तमाम के अंदर, यानी कि जितने भी मसल्स है हमारे, इनकी स्वेयर वीकनेस हो जाती है। वो स्वेयर वीकनेस क्यों होती है, क्योंकि बेटे आपके अपने ही जो इम्यून सिस्टम है वो आपके मसल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम मिस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। ठीक है, अब बेटे मिस्थीनिया, ये दोनों डिजीजेस है, ये बेटे हमारे पास टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में आएंगी। अब ये किस तरह होती है डिजीज, ये नीचे इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन बेटे असल में मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही बच्चे का जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जिनके सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, वो बेटे अक्सर लीकेज होने की वजह से माँ के ब्लड में आ जाता है। अब माँ के जो ब्लड सेल्स हैं वो तो कंसिडर करते हैं आरएच फैक्टर वाले मेरे रेड ब्लड सेल्स है ही नहीं, और ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। अब बेटे जब वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी, वो जाकर उस बच्चे के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर जो आरएच फैक्टर है उसके साथ जाकर जब बाइंड करती है ना, तो बेटे वहां पर दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक तो होगा फेगोसाइटोसिस या दूसरा होगा लाइसिस, यानी कि यहाँ तो बेटे उसके रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा हीमोलिटिक डिजीज, क्या आपने देखा था कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर आकर वो बाइंड किया तो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होगी, तो बिल्कुल इसी तरह या तो बेटे लाइसिस हो जाएगी यानी कि ब्रेकडाउन हो जाएगी, या फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, यानी कि बेटे या वो उन रेड ब्लड सेल्स को निगल जाएंगी, उनको अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगी। तो बेटे ये दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं जब एंटीबॉडीज जाकर सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड करती हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने डिजीज बताई भी है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, कि बेटे जो न्यू बॉर्न है बच्चे, यानी कि जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो उसमें होता क्या है कि बेटे जो बच्चे के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी टूट फूट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एक डिजीज डिवेलप होती है जिसको हम आरएच डिजीज भी कहते हैं। अब बेटे ये डिवेलप होती कैसे है ये भी हम सारा नीचे प्रोसेस देख लेते हैं। उन्होंने जैसे देखे बताया हुआ है आरएच एंटीजेंस आर एक्सप्रेस्ड एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, कि बेटे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनके सरफेस के ऊपर नॉर्मली आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा तो हम कह देते हैं कि वो जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नेगेटिव है, लेकिन मोस्टली बेटे ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने यही बात बताई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बेटे कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, देयर इज ऑफन अ टाइनी लीकेज ऑफ द बेबीज रेड ब्लड सेल्स, कि बेटे जो बच्चा है, बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो अक्सर औकात क्या होता है कि लीक होकर माँ के ब्लड ब्लड में एंटर हो जाते हैं, यानी कि मदर की सर्कुलेशन में, यानी कि माँ के अंदर जो खून की गर्दिश हो रही है उसके अंदर बेटे बच्चे के रेड ब्लड सेल्स ऐड हो जाएंगे।
अगर बेटे वो बच्चा आरएच पॉजिटिव है, यानी कि बच्चे के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर यानी कि रीजस फैक्टर प्रेजेंट है तो होगा क्या? एंड मदर आरएच नेगेटिव और बेटे माँ के अंदर वो आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है आरएच फैक्टर जिस ब्लड सेल्स में होगा वो तो फिर मदर की बॉडी के लिए कोई न्यू चीज है ना, यानी कि फॉरेन पार्टिकल ही है। तो बेटे अल्टीमेटली क्या होगा, दीज रेड ब्लड सेल विल कॉज हर टू डिवेलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। अब बेटे वो क्या करेंगे कि जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स थे वो क्या करेंगे, माँ के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से बेटे जो माँ होगी माँ का इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगा उस बच्चे के रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, द एंटीबॉडीज यूजली ऑफ द IgG क्लास में नॉट डिवेल्प फास्ट इनफ टू कॉज द प्रॉब्लम फॉर दैट चाइल्ड। अब बेटे उन्होंने कहा क्या कि बेसिकली होता क्या है कि वो जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स जिनके ऊपर एंटीजन होते हैं ना, वो माँ का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बेटे उनको एंटीजन कंसिडर कर लेता है और उनके खिलाफ IgG एंटीबॉडीज यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेटे ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और बच्चे में दोबारा चली जाती हैं। अब बेटे बच्चे के अंदर जाकर वो माँ ने जो एंटीबॉडीज बनाई थी वो बच्चे के अंदर जाएंगी और उसके ब्लड सेल्स के ऊपर जहां जहां एंटीजेंस होंगे उनके साथ जाकर बाइंड कर जाएंगी और अल्टीमेटली बेटे बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम आरएच डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटे ये हीमोलिटिक डिजीज होती है और ये हमारे पास एक Type 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। उसके बाद बेटी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है मिस्थीनिया ग्रेविस। स्क्रीन ऊपर करें बेटे। मिस्थीनिया ग्रेविस क्या है कि बेटे ये भी हमारे पास Type 2 हाइपरसेंसिटिविटी है। बेसिकली ये भी बेटे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जिस तरह माँ के इम्यून सिस्टम ने मतलब बच्चा उसके जिस्म का हिस्सा था ना तो अपने ही जिस्म के हिस्से के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह बेटे मिस्थीनिया ग्रेविस है ये भी एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, इसीलिए हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं कि बेटे ऑटोमेटिकली जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जैसे उसमें उन्होंने बताया मिस्थीनिया ग्रेविस बेटे शदीद पट्टों की कमजोरी को कहा जाता है। अब ये होती कैसे है कि बेटे आपका इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल्स के खिलाफ काम करता है, जिसकी वजह से बेटे मस्कुलर वीकनेस डेवलप हो जाती है आपके जिस्म के तमाम ऊपर वाले हिस्सों में। ठीक है।